प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से खास मुलाकात की और उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए रवाना होने वाले भारतीय दल से बातचीत भी की। इस दौरान कई खिलाड़ी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जुड़े, इनमें नीरज चोपड़ा, प्रियंका गोस्वामी और पीवी सिंधु जैसी धाकड़ खिलाड़ी शामिल रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे एथलीट अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और भारत को गौरवान्वित करेंगे। उनकी जर्नी और सफलता 140 करोड़ भारतीयों को उम्मीद देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से 26 जुलाई से शुरू हो रहे ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की भी अपील की। बता दें कि सबसे बड़ा खेल महाकुंभ का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में होने जा रहा है। इसमें शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय दल तैयार है और टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए इस बार भी कुछ नई नई चीजें करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी मैं कह नहीं सकता हूं कि हर एक को सब कुछ वहाँ सुविधाजनक होगा ही कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश की है। इन दिनों हम वहाँ के जो भारतीय समुदाय है उनको भी जरा एक्टिवेट करते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं, जरा आप भी हमारे खिलाड़ियों के साथ जरा जुड़िए। कुछ डिसिप्लिन रहती है इसलिए उतने तो निकट नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी वो ख्याल रखते हैं, चिंता करते हैं। जिसका खेल पूरा हो जाता है उसकी तो भरपूर चिंता करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक प्रकार से आप लोगों के लिए कंफर्ट रहें, असुविधा ना हो और आप लोग अच्छा परिणाम लेकर के आए। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं आप लोगों का फिर से एक बार इंतजार करूंगा। जब आप 11 अगस्त को तो सारा खेल पूरा होगा, आप में से लोग जल्दी आएंगे ऐसा तो क्रम रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 15 अगस्त को एक बार लाल किले पर कार्यक्रम होता है तो आप लोग भी उसमें उपस्थित रहें ताकि देश देखेगा कि यहाँ से हमारे ओलंपिक खेलने के लिए जो गए थे, क्योंकि ओलंपिक खेलने जाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है जी।